नमस्ते दोस्तों, मैं आज दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा से रिपोर्ट कर रहा हूं। हमारे साथ रशीद भाई हैं, जो कि यहां पे न्यू ग्रेटवे टेलर्स नाम से एक दुकान चलाते हैं। इनके साथ एक एपिसोड हुआ, नेबरिंग त्रिलोकपुरी विधानसभा है, वहां के विधायक राजू धींगान ने इनसे कुछ कपड़े सिलवाए और उसके बाद उसके आगे पीछे क्या हुआ ये इनसे हम एक बार सुन लेते हैं। सर, एक बार वो पुराने कपड़े लेके आए थे, उनको मैंने ठीक कर दिए, ठीक करने के बाद में उनको दे दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने 5 पैंटें 6 शर्टें दी मेरे को सिलने के लिए, जिस समय बारी बारी करके देता रहा। और थोड़े जो आए थे श्री राम के थ्रू आए थे ये, पर बाकी का कपड़े वगैरह ये राजू विधानसभा ने लिए हैं मेरे से और उन्हीं के यहाँ पहुंचवाए हैं। पर मैंने कई बार लड़के को भेजा कि आप पैसे दे दीजिए, पैसे देने के लिए आजकल टालते रहे। टहलने के बाद में फिर बाद में लास्ट में आकर लड़कियों को कह दिया नहीं है भैया पैसे ऐसे चलो ये एक एक भी पैसा उन्होंने जितना काम कराया था उसका पेमेंट आपको नहीं हुआ है। नहीं हुआ इस बात को आप बोल रहे हैं, साल से ऊपर हो चुका है। साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। और आपने कई बार अपने लड़के को वहाँ भिजवाया है जी। एक बार जरा ये लड़के से भी हम बात कर लेते हैं, इनके लड़के से। आपका नाम एक बार बता दीजिए, यहीं पे आए से बात कर लो, जस्ट वो लाइट के लिए थोड़ा सा। हाँ बता दीजिए थोड़ा सा। नाम समीर अहमद है, 23 ब्लॉक जहाँ पे रेखांत जी का ऑफिस है, मैं वहाँ उनके ऑफिस पे गया था कि जी ये हमारी पेमेंट है, ये उनको मैंने बिल दिखाया। हाँ ये बिल एक बार जरा अपन देख लेते हैं, इस पे राजू धींगान का नाम लिखा है, 16 मार्च 2018 की तारीख है और ये 5 पैंटें 6 शर्टें 400 और 1800 रुपए के हिसाब से ये बना अपना 3800 रुपए का इनका हिसाब है। एक भी पैसा आप बोल रहे हैं आपको पेमेंट नहीं हुआ है जी? नहीं नहीं हुआ, ठीक है। और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला जी प्रधान जी से ले लो, श्री राम जी से, जो कि हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। मैं उनके घर गया, उन्होंने बोला मैं तो क्यों दूंगा, कपड़े तो उन्होंने लिए तो वो देंगे। हाँ। टालम टूली में कई महीने लगा दिए, हमें पैसे नहीं मिले। बिल्कुल सही बात। तो श्री राम जी ने इंट्रोड्यूस किया था आपको जी, धींगान जी को आपकी दुकान से, तो श्री राम जी का पैसे देने का कोई बनता ही नहीं मामला? नहीं उनका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस सिलसिले में एक हमारे लोकल सामाजिक कार्यकर्ता है वासुदेव जी, जिन्होंने जो मुझे यहाँ लेके आए, रशीद भाई ने उनसे संपर्क किया था इस दिक्कत के चलते, और वासुदेव जी से जरा सुन लेते हैं इस मामले में वो क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए वासुदेव जी। सर नमस्कार, मैं चाहता हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, पहले तो ये लोगों के पैर छूते हैं, उसके बाद जब ये जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं और ये गरीब आदमी के पैसे इन्होंने मार लिए, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास और इन्होंने गरीब आदमी के पैसे मार लिए, जिसका मुझे बहुत दुख है। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी तक भी मैं पहुंचाऊंगा। तो मेरी यही हुआ है कि जो भी इस वीडियो को जो देखे वो इसको आगे शेयर करे और ऐसे लोगों पे लगाम लग सके और आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से भी बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ये रशीद भाई हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि इनकी इस समस्या का निवारण हो और शायद कायदे से तो सिर्फ बकाया अमाउंट नहीं, बकाया अमाउंट विधायक जी को सूद समेत और सूद और माफी समेत इनको वापस करना चाहिए। और देखते हैं अब हम इस सिलसिले में आगे इसको बात को बढ़ाते हैं। नमस्ते, थैंक यू।